अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मीनारे नूर बना के भेजा। अंधेरों की इस जकड़ी हुई धरती पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आफताब नबुव्वत बनकर तुलू हुए। आका के आने से पहले लोग अंधेरों में डूबे हुए थे। जुल्म का अंधेरा अलग था, सितम का अंधेरा अलग था, फहाशी आम थी, उरियानी आम थी, बेहयाई आम थी। आका के आने से पहले लोग पत्थरों की पूजा करते थे, कब्रों की पूजा करते थे, चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते थे, बहते हुए दरियाओं की पूजा करते थे। आका के आने से पहले न माँ की पहचान थी, न बेटी की पहचान थी, न बहन के लिए सर पर चादर दी जाती थी। माँ का मकाम नहीं था, बाप का मकाम लोगों के जहनों में नहीं था। हर तरफ जहालत ही जहालत थी। लोग नंगे बदन काबा का तवाफ किया करते थे। अल्लाह ने करम फरमाया, एहसान फरमाया, रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन बनू हाशिम के कबीला में अब्दुल मुत्तलब के खानदान में जनाबे अब्दुल्ला के घर में सैयदा आमना की गोद में सुबह सादिक के वक़्त एक महजबी बच्चे ने जन्म लिया। एक मुकद्दस हस्ती की आमद हुई, एक पाकीज़ा हस्ती ने इस धरती पर कदम रखा। मेरे पाक पैगंबर की सूरत में नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगंबरों के सुल्तान, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, इमामुल अंबिया, खातमुल मासूमीन, सरवरे कौनैन, सैयदुल कौनैन, हादी व महदी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस कायनात में तशरीफ लेकर आए। आका के कदम रखने की देर थी, कायनात रोशनी से वाकिफ हुई, कायनात उजालों से वाकिफ हुई, कायनात नूर से वाकिफ हुई, कायनात किरदार से वाकिफ हुई, कायनात गुफ्तार से वाकिफ हुई। दुनिया ने जीने का ढंग सीखा तो हुजूर की नबुव्वत के सदके, माँ को इज्जत मिली तो हुजूर की नबुव्वत के सदके, बाप जन्नत का दरवाजा बना तो हुजूर की नबुव्वत के सदके, बहनों के सरों पे चादर आई तो हुजूर के सदके, माँ के कदमों में जन्नत आई तो हुजूर के सदके, बेटी को जिंदगी मिल गई हुजूर के सदके, इंसाफ का बोल बाला हुआ हुजूर के सदके, और शिर्क बिदात का मुंह काला हुआ तो वो भी हुजूर ही के सदके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को हुजूर के नूर से मुनव्वर फरमा दिया। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नबुव्वत की बरकत से दिलों का हाल बदला है हुजूर के सदके, सोचों का जाविया बदला है हुजूर के सदके, आंखों में हया का काजल आया है वो भी हुजूर के सदके। तो इस कायनात को हिदायत से वाकफियत जो मिली है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जरिए से, इसमें कोई शक नहीं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया जो हुजूर से पहले आए वो भी हादी भी थे महदी भी थे। उन्होंने कायनात में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और कमा हक्कुहु पहुंचाया। लेकिन कायनात में जितनी अल्लाह की उलूहियत का प्रचार हुजूर के दौर में हुआ है इतना किसी और के दौर में नहीं हुआ। नबुव्वत हुजूर पे मुकम्मल है, रिसालत हुजूर पे मुकम्मल है, इलम हुजूर पे मुकम्मल है, किरदार हुजूर पे मुकम्मल है, गुफ्तार हुजूर पे मुकम्मल है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे ऊंची जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हुजूर के वर्गा ना अर्श की मखलूक में कोई है, ना फर्श की मखलूक में कोई है, ना अव्वलीन में कोई है, ना आखिरीन में कोई है, ना नबियों में कोई है, ना मुरसलीन में कोई है। जात में भी आला हुजूर, बात में भी आला हुजूर, सिफात में भी आला हुजूर, सीरत में भी आला हुजूर, सूरत में भी आला हुजूर, इसम में भी आला हुजूर, जिस्म में भी आला। अहले सुन्नत वल जमात अकाबरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि जितनी बसारत अल्लाह ने हुजूर को दी है मखलूक में इतनी किसी और को नहीं दी। जितनी बसीरत अल्लाह ने हुजूर को दी है इतनी हिकमत और बसीरत भी अल्लाह ने किसी और को नहीं दी।
जितनी समात हुजूर को दी है इतनी समात भी किसी और को नहीं दी। मेराज भी हुजूर को सबसे आला मिली, जात भी हुजूर को सबसे आला मिली, सिफात भी हुजूर को सबसे आला मिली, किरदार भी हुजूर को सबसे आला मिला और गुफ्तार भी हुजूर को सबसे आला मिला और कुरान भी सबसे आला मिला हर एतबार से। और ये कितने खूबसूरत बात है कि हुजूर जब गुफ्तगू फरमाए तो अल्लाह फरमाते हैं आप नहीं बोले मैं बोला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, जो बात भी मोहम्मद की जुबान से निकलती है वो अल्लाह का पैगाम होता है, अल्लाह का पैगाम होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान जब अपनी जगह बदलता है तो उसके जगह बदलने की आवाज भी मैं जमीन पर बैठ के सुन लेता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत के क्या कहने कि हुजूर ने फरमाया जब मैं देखता हूं तो जैसे मुझे सामने नजर आता है मुझे पीछे वाला माहौल भी नजर आता है। और इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं आप हुजूर की शान का कि जिस रब के नूर की तजल्ली को, रब तो रब है ना, उसके नूर की तजल्ली को मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ना देख सके, उस पूरे रब को हुजूर ने आमने सामने बैठ के देखा। इतनी बसारत है हुजूर, समात भी आला, बसारत भी आला, बसीरत भी आला। मुझे कोई इनकार नहीं हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम तस्लीम की जात का भी और उनके मौजजात का भी, बेशक उनके मौजजात भी बहुत आला है और हजरत मूसा की जात भी बहुत आला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजजा है कि उन्होंने पत्थर पे असा मारा तो उससे पानी के चश्मे निकले और वो भी कितने 12। कुरान पाक में है ये बात, खान फाजरत मिन हुस्नता अशरत अईना, कुरान पाक में असा मारा उसमें से 12 चश्मे निकले, बड़ी बात है। दाएं बाएं पानी मौजूद ही नहीं, पत्थर पे असा मारा तो पानी निकला और वो भी 12 चश्मे। लेकिन इंसाफ नजर से देखें कि पत्थरों से पानी तो अब भी निकल रहा है, आप पहाड़ों की दुनिया में जाएं पत्थरों से पानी निकल रहा है, पत्थरों से पानी अब भी निकल रहा है, अगरचे वो बहुत बड़ा कमाल था कि तलब पे निकले पत्थर पे ऐसा मारा फौरी वो जाहिर हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन अरबों खरबों सलातो सलाम हो आमना के दुर्र यतीम पर के जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो। पत्थरों से पानी निकलना खिलाफ फितरत नहीं, निकल रहे लेकिन खून गोश और हड्डियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकलना ये शान सिर्फ मुस्तफा की है, मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1700 सहाबा ने पेट भर के दिया उंगलियों से पानी का चश्मा। और अहले सुन्नत वल जमात अकाबरीन उलमाए देवबंद ने बड़े वजाहत के साथ अपना अकीदा बयान किया है कि सारे पानियों का सरदार जमजम है और जमजम का सरदार वो पानी है जो हुजूर की उंगलियों से निकले, जो हुजूर की उंगलियों से निकले, इस उंगलियों से निकले पानी का मकाम जमजम से भी ज्यादा है। सामी ने मोहतरम जब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हुआ, 1700 सहाबा ने पिया और रिवायात में आता उलमा मौजूद है कि सहाबा के जो जानवर थे उन्होंने भी पिया। समझने की कोशिश करें, सहाबा के जो जानवर थे और जानवर कौन होते हैं खिदमत गुजार, उन्होंने भी पिया। रब्बे लम यज़ल ने दुनिया को पैगाम दिया कि जो सहाबा के नौकर होंगे उन्हें भी फैज है मुस्तफा डायरेक्ट मिलेगा, नबी का फैज अस्हाबे मोहम्मद के गुलामों को डायरेक्ट मिलेगा।
मुझे कोई इनकार नहीं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का, खुद भी आला है, उनकी जात भी आला है, हजरत इस्माइल के मोजज़ात भी आला है। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी, पानी निकल आया, बड़ी बात है, लेकिन जमीन से पानी निकलना खिलाफ फितरत नहीं है। निकल रहा है पानी, आप नलका लगाते हैं जमीन से पानी निकल आता है, कुआं खोदते हैं जमीन से पानी निकल आता है, लेकिन आका की उंगलियों से जो पानी निकले ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, और दुनिया आज तक इसके मुकाबले में कोई चीज पेश नहीं कर सकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर एतबार से बुलंद वाला बनाया, हर एतबार से। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बड़ी आला हस्ती हैं, हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया से मोहब्बत करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र पे खड़े हो जाते, फरमाते कौम बेइज़्निल्लाह, तो मरा हुआ बंदा उठ के बात करता था। बात समझ आ रही है? क्या फरमाते थे? कौम बेइज़्निल्लाह। मौजज़ा किसका है? हजरत ईसा का। अगर चाहते तो ये भी कह देते कौम बेइज़्नी, मेरी इजाजत से खड़ा हो गया, अल्लाह ने तो इख्तियार दिया था, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कौम बेइज़्निल्लाह। दुनिया को पैगाम दिया कि बेशक मौजज़ा ईसा का वो होता तब है जब अल्लाह चाहता है, जब अल्लाह चाहता है। ये बात ज़हन में रखना, जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ, जो अब हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, जो आइंदा होगा वो भी अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ही की मर्जी से हुआ है और हो रहा है और आइंदा भी होगा। हजरत ईसा ने फरमाया कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता, मरा हुआ बंदा उठ बैठता और हजरत ईसा से बात करता। बड़ी बात, मरा हुआ बंदा बोल पड़ा, लेकिन अरबों खरबों सलात व सलाम हो आमना के दुर्र यतीम पर, नबियों के इमाम पर, रसूलों के सलार पर, पैगम्बरों के सुल्तान पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, कि ये जो हजरत ईसा के हुक्म से उठ के बोल रहा है, ये बोलता हुआ सोया था? नहीं समझे? बोलता हुआ सोया था, उठ के बोल रहा है, लेकिन हुजूर की मौजज़े के क्या कहने के, हुजूर के हुक्म पे वो बोलता है जो पहले बोलता ही नहीं था। कभी पत्थर भी बोले, काफिर की मुट्ठी में है फिर भी हुजूर के हुक्म पे बोल रहा है। खजूर का खुश्क तना जैसे हुजूर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, हुजूर की जुदाई में रोया है कभी खजूर के दरख्त भी रोए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को दुनिया में तोलने का कोई पैमाना अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हर उस चीज को तोला जाता है जिसका हम वजन मौजूद हो, उसे तोला जाता है। जिसका हम वजन अल्लाह ने बनाया ही ना हो उसे तोला भी नहीं जाता और तोलना चाहिए भी नहीं। जो रासिख फिल इल्म उलमा है उनका अकीदा यही है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे ऊंची जात हुजूर की जात है। हुजूर के लिए कायदे कानून दुनिया से अलग है। आप देखें, आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कुछ लोग कुछ जो है हार्ट की सर्जरी करवाने जाते हैं, दिल अंदर से विषक निकाला जाता है, लेकिन दिल का जिस्म से कनेक्शन जरूर रखा जाता है। अगर दिल का कनेक्शन बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो बंदा मर जाता है। कनेक्शन होता है बस, दिल उसको सेटिंग की जाती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार मरतबा शक के सदर हुआ, हुजूर का सीना खोला गया और शमाइल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना स्तर पर यहां से बालों की एक लकीर निकलती थी जो यहां तक आती थी। लकीर देखकर अंदाजा हो जाता था कि यहां से सीना खोला गया है। चार मरतबा खोला गया सीना, और सीना खोल के हुजूर का दिल निकाला गया। हुजूर इधर आराम फरमाए, दिल दूर लेकर फरिश्ते बैठे हैं,
उधर दिल पड़ा है, फरिश्ते उधर फासले पर दिल को धो रहे, उसमें से कुछ निकाल रहे, कुछ उस दिल में डाल रहे हैं, और हुजूर इधर जाग रहे हैं, देख भी रहे, दिल जिस्म से निकल गए, हुजूर ने सलात व तस्लीम फिर भी जाग रहे हैं, और तेरा मेरा दिल जिस्म से निकल जाए मौत वाकई हो जाती है, हुजूर के जिस्म से दिल अलग हुए मौत वाकई नहीं हुई, दिल अलग धड़क रहा है, जिस्म अलग देख रहा है, यही तो पैगाम है दुनिया के लिए कि नबी को अपने के साथ मिसाल मत दो, नबी की बात अलग है। जुमला है, दे देता हूँ, थोड़ा है करवा, आ गया तो बोल देना चाहिए। दिल दूर है, जिस्म इधर है, मौत फिर भी, तो हुण हुजूर दा दिल किथे? अब तो वो दिल हुजूर के जिस्म में है। गल समझ आ गई भाई? हुजूर को अपने साथ ना तोलो, हुजूर के वरना अल्लाह ने ना बनाया ना बनाने का इरादा किया। ए रसूल अमीन खातम अल मुरसलीन, तुझ सको ही नहीं, तुझ सको ही नहीं, है अकीदा ये अपना मस्जिद को यकीन, तुझ सको ही नहीं, तुझ सको ही नहीं, दस्त कुदरत से ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे, ए अजल के हसी ए अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो कि जिसको मैं तुझ सा कहूं, तौबा तौबा नहीं, तौबा तौबा नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हकीकी मारफत नसीब फरमाए, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम नसीब फरमाए। ये बात ज़हन में रखना, नबी के सहाबा हो या नबी के अहले बैत, तुम्हें कोई हक नहीं कि उनको तुम तोलो, न तुम्हें सालिस बनाया गया कि तुम जज बन जाओ और कभी सिद्दीक को कटहरे में खड़ो, कभी उमर को कटहरे में खड़ा करो, कभी उस्मान को खड़ा करो, कभी अली को कटहरे में खड़ा करो, कभी मुआविया को कटहरे में खड़ा करो, आपको कोई हक नहीं, आप सालिस नहीं, आप जज नहीं, आपको कोई इख्तियार नहीं, आपकी जिम्मेदारी यह है कि नबी का घराना है तब भी मोहब्बत करें, नबी का घराना है तब भी मोहब्बत करें, और यही पैगाम है इस वकील का, नबी के घराने से भी मोहब्बत करनी है और नबी के घराने से भी मोहब्बत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर की हर निस्बत का एहतराम नसीब फरमाए। चूंकि अभी हमने आगे दो तीन जलसे करने हैं तो मौलाना यूसुफ कासमी साहब की जो है बार बार मजबूरी थी, हम यहाँ पर पहुँचना था, और मार कबीर साहब की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने दीन की निस्बत से इकट्ठे होने का मौका फराहम किया है। तो भाई जाबिर अली साहब ने मुझे कहा था कि मेरी नदीना औलाद के लिए दुआ करना, दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जिंदगी वाला सेहत वाला सलामती वाली नरीना औलाद नसीब फरमाए। इसी तरह हमारे बुजुर्ग मलिक अब्दुल रज़ाक कोकर साहब को भी अल्लाह ईमान इज्जत सेहत की सलामती के साथ सेहत वाली लंबी खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। हमारे बुजुर्गों के दोस्त हैं, आप में से भी अगर कोई बीमार है दुआ गो हों, अल्लाह उनको भी शिफाए कामला अल्लाह मुस्तफीला दैमा नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, बात तो ख़त्म हो गई, अगली बात यह करना चाहता हूँ, अब इलेक्शन सर पे है और मैं तो बार बार नहीं आ सकूंगा, मेरा पैगाम यही है कि आप अपने अपने मकाम पर खूब मेहनत करें। मेरा यो जोर है कि मैं गेंद बना के इतु तक ले आया, ठीक है, इतु तक लेके आया, वरना ही नांदी तक तक की ना पंदी आंदे चार किले नाल तो दरखास्त ही नहीं। गल समझ आ रही है? उन्होंने कोई नहीं पता कि चार किले भोए दे नहीं, एक किले किला खैबर भर गए, ठीक है ना, अल्लाह बता अल्लाह चिड़िया तो भी बाज मरा सकते हैं, आप हाँ वो भी चार किले हूँ। वक्त आ गया है कि तुआडा नुमाइंदा तुआडे वर्गा तुआडा भिरा एमएनए बने, बजाय मैनू सदन दे बार बार बुलाने दे, तुसी खुद कोशिश करो,
900 तो इतना बड़ा हलका है मौलाना साहब नहीं पहुंच सकते, जिथे असि पहुंच सकेंगे नाल असि पहुंचते भी रहेंगे, जिथे ना पहुंच सके इंशाल्लाह एम एन ए बनने तो बाद दावत कितने कायम दे रसा है आसानी तक पहुंच सकते हो, सानू मिल सकते हो। यह इलेक्शन इलेक्शन है मेरा नहीं, ये इलेक्शन है जात का इलेक्शन है, खुद ही मेहनत करो और पूरे जनून नाल और कोई भी कंप्रोमाइज एक वोट पे भी नहीं करना, त्रै वोटा ते भी बंदे एमपीए बनते रहने एमएनए बनते रहने, ठीक है ना, पूरी मेहनत करनी है और बूहे बूहे जाओ जिथे जिथे तुहाडी तल्लुकदारी है, वो चाहे शोरकोट चे इस तहसीला मतपुर जिस जिस जगह तुहाडी तल्लुकदारी है उन सारे नाल राबता भी करो, जावना पवे ते जाओ और उन्हां नूं कायल करो कि मोर इंतखाबी निशान शेर, इंतखाबी निशान शेर लगनी है। अल्लाह पाक तुहाडा साडा हामी हो नासर हो, बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया।